संडे है, संडे सोचा था कुछ काम ऐसे थे जो फॉर्म पे जाना था सुबह सुबह, और फॉर्म पर जाकर वो काम निपटाने थे आज। ए बिल्लू। ये सिर्फ प्यार की दुकान सुन। अच्छा, हादी और दादा अनार खा रहे हैं, दादा छीले जा रहे हैं, हादी खाए जा रहे हैं मुठियां भर भर के। दादा परेशान हो रहे हैं कि अरे दादा के पास तो सिर्फ छिलके ही बच रहे हैं। है नहीं है हादी, सब खा गए। और क्या दे दे, फिर मुट्ठी भरेगा। ये देख मुट्ठी से भर भर के ये हादी ने माशाल्लाह से अनार खा रहा है। अब दादा के लिए तो छोड़ दो भाई कुछ। मीगा बिल्लू, हाँ भाई बिल्लू, हे बिल्लू, ये लो लेट गए। है भाई बिल्लू, क्या कर रहे हो तुम? सफाई कर रहे हो? ये तो बोल दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, यहाँ बोल दो। ये है हमारा बिल्लू और ये है आदि। आदि हाथ नहीं लगाओ, अभी आप अनार खा रहे हो, हाथ साफ करो। हाथ धोना अभी नहीं डाल रहे। हाँ हाथ साफ कर जाओ, हाथ धो। ओ मैं तैयारी पका रही हूँ, मटर वाली तैयारी पक रही है जो मेरी बहुत पसंदीदा है, और अम्मा के हाथ की मज़ा ही आ जाएगा। वाह वाह अम्मा, हमारे एक ख़जाने की जगह है जहाँ हमारा बहुत सारा ख़जाना है। ये मेरे भतीजों की और सबकी साइकिलें, साइकिल खड़ी हुई है स्पोर्ट साइकिल। ये मेरे भतीजों की साइकिल, वो मेरे और मेरे भाई की साइकिल। ये मेरे भाई की दो मोटरसाइकिलें हैं जो उनको अपनी जायदाद में सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। और देख रहे हैं आप ये 0 मीटर बाइक्स किस तरीके से माशाल्लाह सजा के छुपा के रखी हुई हैं। इनको शौक़ है, क्रेज़ी हैं। बीच वाले भाई शजिल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हुनर है उनके हाथ में बाइकों को बनाने का। और ये जो है, अरे हाँ एक चीज़ तो रह गई, ये देखें आप, ये हमारे जो भतीजों का शौक है।
इस तरह से पता नहीं कितने स्पीकर घर में रखे हुए हैं, जगह जगह इतना स्पीकर लगा हुआ है। और ये आप साइकिल देख सकते हैं, अम्मी ने त्यारी बनाई है, मशहूर ज़माना त्यारी है। और इसमें मटर होते हैं, आलू होते हैं, और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त होती है, और खुसूसन अम्मी के हाथ की तो क्या बात है यार। आहा, आओ गिलास। और थोड़ी गीली गीली, अब अच्छा खाने में मज़ा आता है बिल्कुल गर्म गर्म। तो चलें खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू। चले खाना खा लिया दोपहर का, और जोहर का टाइम हो चुका है नमाज का, तो आज इलाके की मस्जिद में चलते हैं नमाज पढ़ने जोहर की। तो बाकी वहीं पे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं जोहर का टाइम है, चलिए से मस्जिद पहुँचे। चलें मस्जिद बस गली के कोने पर है, और यहाँ ये मेरे मोहल्ला है, और अब चलते हैं मस्जिद की तरफ। माशाल्लाह खूबसूरत मंजर, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह नूर मस्जिद खुर्राबाद, खूबसूरत सहन और माशाल्लाह से खूबसूरत तामीर और इंतहाई पुरसकून जगह। नमाज ज़ोहर अदा कर ली है और अब घर की जानिब जाते हैं। वाह, सब्जी वाले, चावल वाले और भिंडी वाले, टमाटर वाले भाई, ये लोग माशाल्लाह से बड़े मेहनत का काम करते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाओ ना शोर बहुत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, खीरा क्या हिसाब दिया है? 80 रुपए। और ये बैंगन है ना, क्या हिसाब है? 120 रुपए। और टमाटर 200। और ये भिंडी, भिंडी क्या हिसाब है? 160 रुपए। सेम की फली 160। और लौकी 150। और ये तुरई 150। ये हैं आज इतवार के सब्जी के रेट, आपने सुना सब्जी के रेट। प्याज वाले भी आ रहे हैं, प्याज का रेट भी देखते हैं। अभी सब्जी के तो रेट पूछे, बड़े महंगे महंगे चल रहे हैं, मरी मरी सब्जी है और इतने महंगे रेट बता रहे हैं गलियों में। हाँ तुम बताओ भाई, इतनी महंगी सब्जी है तो तुम क्या खाओगे? हैं बिल्लू, क्या खाओगे? बिल्लू तो फेफड़ा खाता है, ऐसे सब्जी की कोई टेंशन ही नहीं है, फेफड़ी भी ला। भैया क्या हिसाब है प्याज? 100 रुपए किलो, 120 रुपए है और 100 रुपए किलो के लगेगी। लाल तो लाल और सफेद में क्या फर्क होता है? ये छोटी और बड़ी प्याज में क्या फर्क है? छोटी होती है, लाल होता है, सफेद जो है वो अच्छी होती है, तेज नहीं होती है, और तेज भी नहीं होती। वो जो कड़वी प्याज होती है वो लाल होती है। चलो भाई, 100 रुपए आप लोग, वो 150 रुपए। फॉर्म पे जा रहा था तो फॉर्म पे जाते हैं, रास्ते में यूमन के लिए पट्टा लेना था गले का, तो एक पट्टा ले लिया, क्योंकि जब सफाई करनी होती है तो तंग करता है, तो उसको बांध देते हैं उसके जिस जाल की, और यहाँ से मैंने पट्टा ले लिया है। अब शाम का टाइम, लोग दाना लेने आ रहे हैं, ये बाबर मार्केट पे शॉप है, और अच्छा डिस्काउंट देते हैं और अच्छा दाना होता है इनका। दूध ख़त्म हो गया था बकरों के लिए, तो आज दूध लेने आया था मैं, दूध ले लिया और फॉर्म पे जा रहे हैं। फिर बच्चों के लिए दूध लिया है, अपने जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए दूध भी लिया। नानी के आया हूँ, यानी अपने ससुराल, तो इधर एक डिनर भी था, डिनर किया, अब उसके बाद फॉर्म पे जाना नहीं हुआ, तकरीबन 10:15 हो रहे हैं 10। अब यहाँ से डायरेक्ट आज घर जाएंगे, और फिर घर पे जाके क्लोज करते हैं चीज़ों को। अभी यहाँ पर हैं, अपने ससुराल कह सकते हैं, ससुराल में हमारे लिए यखनी आई है, हमारे लिए नहीं आई और दूसरे भी आई है, और अहमद इसको एंजॉय कर रहा है। अहमद, ये इनका बेटा पी रहा है, पी लो हैं, चलो शाबाश। जी दोस्तों, आज शाम से कुछ टाइम नहीं मिला, क्योंकि शाम को मैं गया था कुछ
ऐसे पर्सनल काम से जहाँ मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सका, और उसके बाद मैं फॉर्म पे गया, फॉर्म पे कुछ काम निपटाया, लाइट चली गई थी। आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म पे रात के टाइम लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो ब्लॉगिंग अच्छी नहीं हो पा रही होती। तो उसके बाद मैं बच्चों की नानी के यहाँ गया हूँ, उनको भी लाना था, कल से बच्चे जो है अपनी नानी के यहाँ थे तो उनको लेके आया। फिर दिन की जो डिटेल रही वो आपने आज देखी, हो सकता है थोड़ा छोटा हो ब्लॉग, और कोशिश करता हूँ आगे इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव बनाऊँ और इसमें कुछ अच्छे ऐसे टॉपिक लेके आऊँ जिससे नॉलेज हो और नॉलेज बढ़े, कुछ सीखने को मिले, कुछ मैं सीखूँ, कुछ आप लोग जाने, और मिलके इंशाल्लाह अपने इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ग्रो करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, आगे लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलके अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं साल के 365 दिन, ये एक साल का चैलेंज ले रहा हूँ, मैं साल के 365 दिन ब्लॉगिंग करूँ और डेली का एक आपके लिए अपना डेली रूटीन का ब्लॉग डालूँ। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर करे, तमाम लोगों को आसानी दे, उनके जायज़ हाजात को पूरा करे, उसके सदके अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को आसान करे और मेरे हक़ में बेहतर करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।